अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा मलिक बियास किचन के साथ। आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता। अरबियाता पास्ता भी कहते हैं इसे, ये इटालियन पास्ता रेसिपी है और मुझसे मेरी बेटी की टीचर ने फरमाइश की थी, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ। और ये बहुत ओरिजिनल और अथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल जो इटालियन बनाते हैं ये सेम रेसिपी है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टमाटर। टमाटर मैंने 8 अदद लिए हैं और टमाटर की बैग से इस तरह क्रॉस में मैंने कट लगा दिए हैं सब टमाटर पर। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट है, नमक, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, ये 7 से 8 जवे लहसुन के हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, 1.5 टेबल स्पून वाइट विनेगर है, सफेद सिरका, ये एक छोटे साइज की प्याज ली थी मैंने और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसके अलावा 1/2 कप ऑयल है, मैंने अगर नॉर्मल ऑयल यूज़ किया है कनोला, आप कोई से भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली इस रेसिपी में ऑलिव ऑयल यूज़ होता है इसलिए मैं नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं डेकोरेशन में ऑलिव यूज़ कर लूँगी। सर्विंग में मोज़रेला चीज़ यूज़ होगा। आइए इसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। ये एक पैकेट पास्ता है, नॉर्मली इसमें पेने पास्ता यूज़ होता है, लेकिन आपके पास जो भी शेप अवेलेबल हो आप यूज़ करें, मैं स्पाइरल यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे बॉईल किया है 1 चम्मच नमक और 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ। पास्ता की आपको मालूम ही होगा कैसे बॉईल करते हैं, 8 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना, 7 to 8 मिनट्स के बाद आप इसको ड्रेन कर लें, ठंडे पानी से निकाल कर रख लिया है, ठीक है। और अब मेन काम इसका रेड सॉस बनाने का है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पानी रखा था पतीले में, सादा पानी है, इसमें और कुछ भी नहीं डाला हुआ। देखिए पानी में उबाल आने लगा है, तो अभी हम कट लगे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे। इनको हमें 7 से 8 मिनट बॉईल करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए और इनका जो छिलका है वो आराम से उतर जाए। ये कट लगाने का भी यही मकसद है कि इजीली इनका छिलका उतर जाए। बस अब हम इन्हें बॉईल होने देंगे। ये देखिए ये 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल इस तरह से हो रहे हैं, आराम से इनका छिलका उतर जाएगा। ये पील ऑफ होने के लिए रेडी है, हम चूल्हा बंद करेंगे। मैंने एक बोल में ठंडा पानी लिया है, अब हम वन बाय वन इनको निकाल के इस ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि ये इजीली इनका हम छिलका उतार सकें। नॉर्मल टैप वाटर है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इनके ठंडे होने का, ठंडा हो जाए तो हम फिर इन्हें पील ऑफ करके चॉप करेंगे।
उसके साथ ही हम ये गार्लिक डाल देंगे जो मैंने चॉप कर लिया।